मामूजान, आप प्लीज़ घर चले जाएं, मैं यहाँ रुकूंगा। मैं घर चला जाऊंगा तो मुझे चैन कैसे आएगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा बेटे, मैं नहीं जाऊंगा। आशन साहब, मैं जानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि बेटी को हवालात में छोड़कर जाना वाकई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैंने अंदर कह दिया है और आज पूरी रात एक लेडी कॉन्स्टेबल मिस किरत के साथ ही रहेगी। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, और यकीन कीजिए सुबह होते ही जैसे ही कोर्ट खुलेंगे सबसे पहला काम मिस किरत की बेल होगी। आपका बहुत शुक्रिया सर, लेकिन अगर वो बच्चा ना मिला तो बहुत बुरा हो जाएगा शाह साहब, बहुत बुरा हो जाएगा। दुआ करें कि वो बच्चा जिंदा हो, खुदा ना खास्ता कहीं पानी में डूब ना गया। वैसे जो मुझे बता रहा था कि उस बच्चे के पेरेंट्स काफी असर रसूख वाले, खुदा ना खास्ता अगर बच्चा ना मिला तो हमें काफी टफ टाइम दे सकते। खैर, एनीवेज, मेरा ख्याल है ये वक्त साबित कदम रहने का और हौसला बुलंद रखने का। अगर आपका हौसला टूट गया तो इस किरत की मुश्किलात और भी बढ़ जाएंगी। आइए चलिए मेरे साथ प्लीज। किरत, क्या कसूर था मेरी बेटी का? अल्लाह ने उसको इस आजमाइश में क्यों डाला? अरे, हमारे यहां तो नस्लों से किसी ने थाना कचहरी की शक्ल नहीं देखी। सुबह जमानत हो जाएगी ना, फिर वो घर आ जाएगी। लेकिन सुबह कैसे आएगी साधिया, कैसे आएगी? जाने किन गुनाहों की सजा मिल रही है हमें।